उज्जैन शहर में प्रशासनिक अधिकारी और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि नशे का व्यापार रोक पाने में असफल रहे। शहर के जयस्तंभ चौराहे बाजार क्षेत्र में नशे का कारोबार जमकर फल फूल रहा है। उज्जैन शहर के प्रमुख बाजार क्षेत्र, रेलवे स्टेशन हो, देवास गेट क्षेत्र हो या फिर चामुंडा माता चौराहा या फिर प्रमुख मंदिर क्षेत्र हो या फिर प्रमुख चौराहे, सभी दूर जमकर नशे का कारोबार फल फूल रहा है और चरस, अफीम, गांजा सहित नशे की गोलियां, टैबलेट, इंजेक्शंस बिक रहे हैं। शहर के युवा नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं। नशे का कारोबार इस कदर फल फूल रहा है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। जहां जिम्मेदार अधिकारी प्रतिनिधि नशे के कारोबार को रोकने में असफल हो रहे हैं, वहीं नशे के आदि युवक रिश्ते संबंध को तार तार कर रहे हैं और अपनी सीमाओं को लांघ रहे हैं। आज फिर चामुंडा माता चौराहे पर एक दोस्त ने अपने दोस्त पर नशे की हालत में चाकू से वार किए, जिसके परिणाम यह रहे कि युवक के दोनों पैरों में चाकू लग जाने से गंभीर रूप से वह घायल हो गया। देवास गेट पुलिस ने मामला जांच में लिया है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तुम्हारा? मेरा नाम इमरान उर्फ जोड़ा नाम मेरा और मिर्ची वाले झोरा हूँ मैं, कोट मोहल्ला में रहता हूँ और मेरी मम्मी को बस। और कुछ क्या हुआ? क्या कुछ भी नहीं, चाकू मार दिए मेरे को। किन्ने मारे? वो रवि नाम का छोरा है, रवि नाम का। तुम्हारा दोस्त था वो? दोस्त था वो मेरा। तुम्हारे साथ ही रहता था? नहीं, मेरे साथ नहीं रहता। फिर दोस्ती कैसे हुई? दोस्ती जेल में हुई थी मेरी। बाकी ने ये फुटपाथ पे सोता, वो उसके घर नहीं गया 10 साल से, उसके घर नहीं गया वो। और तुम्हारे साथ ही रहता है? नहीं, मेरे साथ नहीं, फुटपाथ पे सोता, वो चामुंडा मंदिर के सामने पुलिस चौकी के पीछे सोता है वो। तुमको चाकू क्यों मारे? तुम्हारे दोस्त ने क्यों मारे चाकू? क्या मालूम क्यों मारे मेरे को, वो नशे में था, गोली खा रखी तुमने नशे की, मेरे को नहीं मालूम बाबूजी क्यों मारे उन्होंने चाकू। बाकी उन्होंने चाकू मारे मेरे को। नशे में मारे? हाँ, नशे में उन्होंने मारे। कौन सी गोली खा रखी थी? क्या मालूम कौन सी खा रखी। कहाँ मिलती है नशे की गोलियाँ? क्या मालूम कहाँ मिलती है बाबूजी, उसकी थैली में रहती बहुत सारी गोली, उसकी थैली में रहती है गोली, उसको बीमारी भी थी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।